हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बात करूंगा इस वीडियो में आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो पदों पर वैकेंसी आई थी 2406 पदों पर, उसको लेकर के दोस्तों क्या प्रोसेस चल रहा है, अब तक कहां तक पहुंचा है, क्या उम्मीद है और दोस्तों क्या होने वाला है, क्या चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक करके अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बात करते हैं कि जो बात 2406 वैकेंसी की आई थी, जब से दोस्तों कोर्ट्स में ये लगा हुआ है तब से लेकर के पेंडिंग ही चल रहा था और चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ है, वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल देखते रहना आप लोग दोस्तों। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर एक और वैकेंसी आई थी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016, ठीक है। तो 2016 वाली जो वैकेंसी थी उसका वो दोस्तों 293 पदों पर भर्ती आई थी, तो उसका जो मैटर था वो सब कुछ सही हो चुका है और अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर ये काम तो चलो अच्छा हो रहा है कि चलो यहाँ पर जो 2016 वाली वैकेंसी है वो क्लियर हो रही है और क्लियर होने के मतलब स्टेज पे ही है, अब डीबी हो रहा है, इसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ जो बच्चे हैं 2406 वाले, ये यहाँ पर आयोग एक बार नहीं लगभग दर्जनों बार जा चुके हैं, लेकिन रिसेंटली अभी बीच में एक बार गया था, मतलब बच्चों द्वारा जाया गया था वहाँ पर, तो वहाँ से काफ़ी बुरी तरह से लैंग्वेज का यूज किया गया था और वहाँ से मतलब एक तरह से भगा दिया गया था, धमकी दिया गया था कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ, इसे कोई न्यूज नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, या फिर आप लोग जो है इस तरह से मत यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किया करो, इस तरह कई तरह की बातें। तो वहाँ से फ़िलहाल वापस आया गया था, लेकिन इस तरह का रवैया, इस तरह का बिहेवियर जो यहाँ पर था विभाग द्वारा, वो ठीक नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पर CITIs के स्कोर में फ़िलहाल उलझे हुए हैं, जो मामला चल रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जो मामला अभी कोर्ट वाला मैटर है BTech होल्डर और ये CITIs वाला और वो पेट वाला लेकर के, तो फ़िलहाल इसको लेकर के यहाँ पर डॉक्यूमेंट DB के नाम से यहाँ पर इसको जो है ब्रेक कर दिया गया है, जाँच चल रहा है। फ़िलहाल इसके संबंध में कोई भी बात बताई नहीं जा रही क्लियर। भर्ती एक बात तय है कि भर्ती कैंसिल नहीं होगी, 2016 की वैकेंसी थी, देख लो 2023 में सब कुछ चल रहा है, कंप्लीट होने चल रहा है, 7 साल बाद ये भर्ती पूरी होने चली है, तो भर्ती कैंसिल नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अभी आपको पता ही है कि 2406 भर्ती को लेकर के जो स्टेडियम में जो पोस्टरबाजी किया गया था क्रिकेट मैच के दौरान, जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ था, योगी जी को दिखाने के लिए यहाँ पर पोस्टर द्वारा कैमरे में लहराया गया था, तो दोस्तों ये भी वायरल हुआ था, तो ये दिमाग में तो है ये बात काफ़ी, और प्रेशर एक तरह से आयोग के ऊपर है, कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिवनेस दिख रहा है कि हाँ भर्ती जो है क्लियर होगी, आप लोग तैयारी करते रहें, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि 15 से 20 दिन के अंदर कोई ना कोई अपडेट दोस्तों आने वाला है और गुड न्यूज़ ही आएगा, जो कि आप सबों के लिए जो है यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मेरा नाम था पंकज, आप देख रहे थे पंकज एडुटेक दोस्तों। जैसे कोई अपडेट आता है ना, मैं आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग अपडेट ज़रूर आने वाला है, आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद।